और मेरे प्यारे बच्चों क्या चल रहा है? कुछ चल रहा है? नहीं चल रहा है? अगर मेरे प्यारे बच्चे अगर कुछ नहीं भी चल रहा है तो भी चलाइए, क्योंकि एट द एंड मेरे प्यारे बच्चे ये याद रखना कि भाई पढ़ना ही होगा आपको, ऑफकोर्स पढ़ना होगा। क्योंकि कितनी बार बच्चे ऐसा होता है कि आप ना सिर्फ सोचते रह जाते हैं, तो आपको ज़्यादा सोचते नहीं रहना। अगर आप क्लास 11th, क्लास 12th या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कॉलेज में जाने के लिए, नीट या CUT के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपसे ये कहूँगा कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग जस्ट ट्राई टू डू द एक्शन। कि सोचने की बजाय कि आज से करूँगा कल से करूँगा, ये जब थिंकिंग आपके दिमाग में आता है ना, उसी टाइम पर आप किताब उठा लीजिए और जो आपने बनना है, जो आपने करना है, वो ना दीवार पर लिख कर लगा दीजिए कि भाई आज से मुझे करना और अभी से करना है, बस इतना ही करना होता है, याद रखना। और जिस बच्चे ने बच्चे इतना करना सीख लिया ना, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंट एक्शन। एंड इंस्टेंट एक्शंस बेसिकली हेल्प अस टू स्टार्ट इवन एंड बिगन ईच एंड एवरीथिंग इन द लाइफ। तो इसीलिए सोचिए मत, जो आपने करना है ना वो दीवार पे लगा दो, टांग दो, उसी वक्त लगा दो। जो आप ये मत सोचो कि भाई मुझे कल से करना है, परसों से करना है, बिल्कुल भी नहीं। वी डोंट गिव इवन अ सिंगल सेकेंड टू द ब्रेन टू थिंक अबाउट टुमारो। लेट्स डू इट टुडे, लेट्स डू इट टुडे, लेट्स डू इट नाउ, लेट मी बिगिन नाउ। दिस शुड बी एक्चुअली, अगर ऐसी फीलिंग है और ऐसे आपके पास यानी कि एनर्जी है ना इंस्टेंट एक्शन वाला, मैं बता रहा आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि बच्चे ब्रेन इसी तरीके से काम करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं बेसिकली आज आपको, क्योंकि बच्चे अभी तक हमने बहुत कुछ मतलब आपके पास यानी कि जो ये बच्चे बायोलॉजिकल तो अभी तक जो बच्चे आपके पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है, तो इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मेरे प्यारे बच्चे हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। बहुत कुछ में क्या मतलब, बहुत कुछ में बच्चे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बच्चे मैंने बेसिकली आपको पहला पढ़ाया आपके पास यानी कि किंगडम मोनेरा के बारे में, दूसरा बच्चे आपके पास यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, और आज बच्चे मैं डिस्कस करूँगा आपके पास यानी कि किंगडम फंगी या फंजाई के बारे में। तो आज बच्चे हम लोग जो अपनी स्टडी है वो किंगडम फंगस के ऊपर रखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, जो किंगडम आपके पास यानी कि फंजाई है ये होता है क्या है। तो ऑफ कोर्स लेट्स ट्राई टू डू इट, चलो करते हैं ना, करना तो है, और अगर करना है तो करेंगे, ऑफ कोर्स करना तो है मेरे प्यारे बच्चे। समझिए, जब बच्चे आप किंगडम फंजाई, आपके मन में किंगडम फंजाई को लेकर मेरे प्यारे बच्चे एक सवाल होना चाहिए कि एक्चुअल में फंगस होता क्या। मेरे प्यारे बच्चे आप एक सिंपल भाषा में इस तरीके से समझिए कि जब आपके पास यानी कि बरसात होती है, बरसात के दिनों में आपने देखा होगा बच्चे कि घरों में हमारे जो आपके पास यानी कि रोटियां होती हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में फंगस सबसे ज्यादा दिखाई देता है इकोसिस्टम के अंदर। वो इसलिए दिखाई देता है बच्चे क्योंकि बरसात के दिनों में आप ये देखेंगे जो फंगस होता है मेरे प्यारे बच्चे वो आपके पास सबसे ज्यादा ग्रो करता है, क्योंकि वहां पे जो कंडीशंस होता है वो फेवरेबल होता है। बरसात के दिनों में मेरे प्यारे बच्चे आप नोटिस करेंगे कि जितने भी फंगस है ना वो आपके पास हमारे किचन में, क्योंकि बरसात के दिनों में क्या होता है एयर के अंदर मॉइस्चर ज्यादा आपके पास यानी कि होता है, और इसी की वजह से जो फंगस होता है मेरे प्यारे बच्चे उन दिनों आपके पास यानी कि बहुत ज्यादा ग्रो कर पाता है। तो उस टाइम पर आप ब्रेड पर, रोटी के ऊपर देखेंगे आपके पास यानी कि फंगस लगा हुआ, आप जूते जो पहनते हैं जूते के ऊपर देखेंगे आपके पास ग्रीन ग्रीन टाइप का आपके पास यानी कि स्ट्रक्चर्स होता है वो फंगस लगा होता है, घर के दीवारों पर बेसिकली आपके पास व्हाइट व्हाइट आपके पास फफूंद होता है वो फंगस होता है, और अगर आप बाहर गाँव जैसे इलाके में रहते हैं ना बच्चे तो गाँव में क्या कहा जाता है आपके पास यानी कि कुकुरमुता मतलब ये एक हिंदी में शब्द है कुकुरमुता, मतलब कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे वो छतरी वाला छोटा छोटा सफेद देखते ना हर जगह पर प्लांट के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर ग्रो कर जाता है, खेतों में ग्रो कर जाता है। तो ये जो व्हाइट आप लोग जो देखते हैं ना बच्चे डेट इज कॉल्ड फंगस, इसी को कहा जाता है फंगस, समझ पा रहे? और जो मशरूम मार्केट में आप खाते हैं ना डेट इज ऑल्सो कॉल्ड आपके पास यानी कि फंगस, वो भी एक टाइप ऑफ फंगस है।
तो आप समझिए, ये तो बात रही आपके पास कि अगर आपको देखना है ना फंगस, तो आप मशरूम तो खाते हो, वो फंगस है ना, और बाकी जो अगर तुम्हारे पास कभी कभी स्किन के ऊपर भी लग जाता है फंगस, तो वो भी बेसिकली फंगस ही है। आप समझिए बच्चे, मैंने आपसे कहा कि जब आप फंगस की बात करते हो तो फंगस के अंदर क्या होता है कि आप समझिए, आपके पास अ यूनिक ग्रुप ऑफ हेटरोट्रॉप्स, यूनिक ग्रुप ऑफ हेटरोट्रॉप्स। इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चे जितने भी है ना, वो सभी के सभी आपके पास यानी कि हेटरोट्रॉप्स। किंगडम फंजाई वन ऑफ द यूनिक ग्रुप ऑफ हेटरोट्रॉप्स यूकेरियोट्स हैविंग सेल वॉल, हैविंग सेल वॉल। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं बच्चे, ए यूनिक ग्रुप ऑफ हेटरोट्रॉप्स यूकेरियोट्स, यहां पे लिख लीजिए यूकेरियोट्स एंड हैविंग अ सेल वॉल। इसके पास मेरे प्यारे बच्चे सेल वॉल होती है जो बेसिकली काइटिन की बनी होती है। अब आप ये कहेंगे हेटरोट्रॉप्स आपके पास एनिमल्स भी होता है, ऑफकोर्स वी आर ऑल्सो हेटरोट्रॉप्स, हम लोग भी हेटरोट्रॉप्स हैं मेरे प्यारे बच्चे। यहां पर जब आप फंगस की बात करते हो तो यहां पर मैंने कहा कि हेटरोट्रॉप्स यूकेरियोट्स एंड हैविंग अ सेल वॉल, कि इनके पास मतलब कोई भी जो फंगस होता है उसके पास ये तीनों चीजें मतलब स्पेशली सेल वॉल, क्योंकि आप हेटरोट्रॉप्स की बात करते बच्चे तो हेटरोट्रॉप्स में तो हम लोग भी आते हैं, ऑफकोर्स हम लोग एनिमल्स हैं मेरे प्यारे बच्चे। और जब अगर एनिमल्स है तो सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी हम लोग भी तो प्लांट्स को ही खाते हैं, प्लांट को खाते हैं चबाते हैं और सारी चीजें आपके पास प्लांट प्रोडक्ट ही तो यूज करते हैं अपने आपके पास यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे कहने का मतलब ये हेटरोट्रॉप्स है, हम लोग भी हेटरोट्रॉप्स है, लेकिन हम में और इनमें क्या डिफरेंस है कि इसके पास सेल वॉल होता है, हमारे पास कोई सेल वॉल नहीं होता, हमारी बॉडी की जो आपके पास सेल है उसके पास कोई सेल वॉल नहीं होता। दूसरी बात समझना बच्चे, मैंने आपसे कहा कि बच्चे आपने देखा होगा आपके पास, जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेता हूँ राइजोपस, क्या लेता हूँ बच्चे आपके पास यानी कि राइजोपस, इसे बेसिकली बच्चे आपके पास यानी कि ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चे मैं आपके पास यानी कि एल्बुगो कैंडिडा आपके पास यानी कि व्हाइट स्पोर्ट्स और मस्टर्ड देखा जाता है। मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि सैक्रोमाइसिस सर्विसी ये बेसिकली बच्चे ईस्ट होता है और ये बेसिकली आपके पास यानी कि ब्रेड एंड वाइन में यूज होता है बनाने के लिए, ब्रेड एंड आपके पास यानी कि बियर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपसे कहा आपके पास यानी कि पेनिसिलियम ये बेसिकली मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि एंटीबायोटिक्स बनाने के काम आता है आपके पास यानी कि एंटीबायोटिक्स जो आपके पास यानी कि पेनिसिलिन बेसिकली एंटीबायोटिक्स। मेरे प्यारे बच्चे ये जो आप अपने डे टू डे लाइफ में सारी चीजें देख रहे हैं ना, ये सब आपके पास यानी कि फंगस है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बियर और आपके पास यानी कि वाइन बनाने के लिए मस्टर्ड के अंदर आपके पास डिसीज कॉज करता है, हमारे घरों के अंदर आपके पास ब्रेड मोल्ड होता है जो ब्रेड के ऊपर लग जाता है, रोटियों के ऊपर लग जाता है, और एंटीबायोटिक्स के अंदर आपके पास पेनिसिलियम रोटेटम जो बेसिकली पेनिसिलिन जो आपके पास यानी कि एंटीबायोटिक्स है इसका इस्तेमाल किया जाता है घावों को ठीक करने के लिए, वुंड्स को हील करने के। मेरे प्यारे बच्चे ये सभी के सभी एनसीईआरटी के अंदर एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा है। अब समझिएगा बच्चे, मैं बच्चे बात करता हूँ सबसे पहले कि जब आप लोगों को बोला जाता है फंगस, तो फंगस बेसिकली क्या है, एक आपके पास यानी कि यूकेरियोटिक सेल है, और अगर ये यूकेरियोटिक सेल है मेरे प्यारे बच्चे तो आप ये समझिए इस तरीके से, ये बच्चे आपके पास यानी कि शुरू में दिए गए थे इसलिए मैंने लिखा क्योंकि ऐसा एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है क्लास 11 की। मैंने बच्चे आपसे कहा कि फंगस क्या अपने आप में एक आपके पास यानी कि यूकेरियोटिक सेल है। जब कभी भी बच्चे आपके पास यानी कि यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात किया जाए तो आप समझ लेना कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपके पास यानी कि वो सारी चीजें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया मतलब आपके पास सेल हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, गॉल्जी एपरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है
समझ पा रहे आपके पास, यानी कि राइबोसोम्स होता है, तो इसके पास वो सारी चीजें होता है बच्चे जो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं। समझना बच्चे, जब हम लोग फंगस की बात करते हैं ना बच्चे, तो फंगस में क्या होता है, मोस्टली फंगस आर, ज्यादातर जो बच्चे फंगस होते हैं वो आपके पास मल्टी सेलुलर होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट यूनिसेलुलर है। मेरे प्यारे बच्चे, ईस्ट जो है अपने आप में वो क्या आपके पास, यानी कि यूनिसेलुलर है, और ज्यादातर फंगस मल्टी सेलुलर में ना बच्चे, ये आपको आपके पास यानी कि जनरली फिलामेंटस। इसकी जो स्ट्रक्चर्स होता है बॉडी का बच्चे, वो आपके पास फिलामेंटस होता है। फिलामेंटस का मतलब समझिए, जब बच्चे आपसे कहा जाता है कि इनकी बॉडी आपके पास फिलामेंटस होती है, तो आपके मन में क्या आता है, फिलामेंटस सिलेंडर का मतलब आपके पास यानी कि काफी थिन, बहुत ही पतला लेकिन अट्रैक्टिव, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, लॉन्ग सिलेंडर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये मेरे प्यारे बच्चे एक आपके पास यानी कि धागे की तरह आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए मैंने ये बना दिया, तो ये मेरे पास क्या है बच्चे आपके पास यानी कि ये फिलामेंटस है, तो ये कैसा होना चाहिए आपके पास, यानी कि थिन होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। समझ पा रहे आपके पास, यानी कि लॉन्ग तो है ही आपके पास, समझ पा रहे ये चीज। तो कभी भी जो फंगस होता है मेरे प्यारे बच्चे, उसकी जो बॉडी होती है वो फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस का मतलब आप ये समझ रहे ना कि लीनियर, मतलब एक आपके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, जिस तरीके से आपके घरों में धागे होते हैं उसी तरीके से दिखाई देते हैं, और इसी फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स को ना मेरे प्यारे बच्चे हम लोग हाइपी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपी। समझते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा कि जो फंगस होता है, फंगस आपके पास अफिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यहां पे लिखते हैं, अलोंग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड filaments which is known as hyphae। और इसे क्या बोलते हैं बच्चे आपके पास, यानी कि hyphae। the network of hyphae, जो मेरे प्यारे बच्चे hyphae का जो नेटवर्क होता है is called mycelium। तो हाइपी के नेटवर्क को बेसिकली माइसीलियम कहते हैं, आप ऐसे समझिए। मान लीजिए बच्चे मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास सिर्फ ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है इस तरीके से, तो मैंने बच्चे आपसे ये कहा इस तरीके से, मान लीजिए थोड़ा सा लार्ज करके बनाते हैं, तो मैंने आपसे कहा बच्चे मेरे पास ये फिलामेंट है, ये आपके पास यानी कि फिलामेंट है, और इसी फिलामेंट को बच्चे मैंने आपके पास ये इंडिविजुअल है, तो इसी को मैंने क्या बोल दिया आपके पास यानी कि हाइपी, क्या बोल दिया, हाइपी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ये एक नहीं होता है, इसका आपके पास यानी कि पूरा का पूरा नेटवर्क होता है, ये आपके पास यानी कि नेटवर्क यानी कि एक मास में पाया जाता है। कभी भी किसी स्पीशीज में एक इंडिविजुअल स्पीशीज थोड़ी ना होता है, उसका एक पूरा पॉपुलेशन होता है। तो कहने का मतलब बच्चे होता है कि आपके पास यानी कि इसके बहुत सारे आपके पास इस तरीके से, मान लीजिए ऐसे करके मैं स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, ये पूरा का पूरा आपके पास यानी कि नेटवर्क है, इस तरीके से नेटवर्क है। तो ये मेरे प्यारे बच्चे जो आप ये पूरा देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड आपके पास यानी कि माइसीलियम। तो दिस स्ट्रक्चर द नेटवर्क इज कॉल्ड आपके पास यानी कि माइसीलियम। क्या कहा जाता है बच्चे आपके पास, माइसीलियम। तो माइसीलियम किसे कहा जाता है, द नेटवर्क ऑफ हाइप, द मास ऑफ हाइप। तो मतलब मास, आप ये भी लिख सकते आपके पास यानी कि मास ऑफ हाइफी इज कॉल्ड आपके पास यानी कि माइसीलियम। अब यहाँ पर बच्चे एनसीईआरटी ने ये लिखा कि जो ये माइसीलियम होता है, माइसीलियम सेप्टेट भी हो सकता है, असेप्टेट भी हो सकता है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एनसीईआरटी ने एक बहुत ही अच्छा वर्ड लिखा कि माइसीलियम इज सेप्टेट और आपके पास यानी कि असेप्टेट ब्रांच, इस तरीके से एनसीईआरटी लिखता है। तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। मैंने बच्चे यहाँ पे ये लिखा
माइसीलियम मे बी सेप्टेट और असेप्टेट। मेरे प्यारे बच्चे, सेप्टेट का मतलब सेपरेशन होता है या सेप्टा, सेप्टा का मतलब होता है वॉल। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? वॉल। समझिए, मान लीजिए बच्चे, मैंने आपसे कहा कि माइसीलियम क्या होना चाहिए आपके पास, यानी कि सेप्टेट होना चाहिए, मतलब सेपरेटेड होना चाहिए। तो कैसे होता है ये समझो। मान लो मैंने कहा बच्चे कि भाई ठीक है आपके पास, यानी कि इस तरीके से आपके पास बहुत सारे हैं, एक हाइपी है इस तरीके से, ऐसे बना लेते हैं। मान लीजिए लॉन्ग आपके पास, फिलामेंटस आपके पास, यानी कि हाइपी इस तरीके से है। मैंने बच्चे ये कहा कि सेप्टेट का मतलब क्या, इसके बीच में इस तरीके से क्रॉस वॉल होता है, इस तरीके से क्रॉस वॉल होता है, इस तरीके से। इसको एक काम करो, ऐसे करके करो, इस तरीके से। अब समझ रहे हैं? मैंने बच्चे आपसे कहा कि ठीक है ये क्रॉस वॉल है, बीच में आपके पास पोर रहता है ताकि साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म एक्सचेंज हो सके, और सबके पास न्यूक्लियस होता है। तो ये लगभग आपके पास यानी कि मल्टी न्यूक्लियेट ही होते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म इसका आपस में आपके पास यानी कि एक्सचेंज हो सके, तो इसीलिए। तो ये बच्चे आपके पास ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस होता है, और ये आपके पास ये पूरा का पूरा बच्चे आपके पास यानी कि एक माइसीलियम बोल दीजिए या हाइपी बोल दीजिए, एक्चुअल में क्या होता है कि हाइपी ही रहता है, लेकिन इसी हाइपी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड आपके पास यानी कि सेप्टम। तो इसे सेप्टम कहा जाता है। तो सेप्टम या आपके पास यानी कि सेप्टा, क्या कहा जाता है बच्चे? सेप्टा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे, और ये जो पोर देख रहे हैं ना बच्चे, ये चैनल होता है ताकि यहाँ से आपके पास यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है ना, प्रोटोप्लाज्म वो आपके पास यानी कि एक्सचेंज हो सके, इस तरीके से। तो एक्चुअल में होता है क्या बच्चे, एक और भी वर्ड ये लिखता है कि मान लीजिए आपके पास, मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरीके से बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए पिक्चर की मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं तो आप एनसीईआरटी में बच्चे इसका डायग्राम नहीं दिया, लेकिन बहुत सारी किताबों में आपके पास यानी कि डायग्राम मेंशन है, तो उसी डायग्राम की मदद से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को। इस तरीके से बच्चे, अगर आप स्मॉल लेवल पर देखेंगे तो आपको लगभग इस तरीके से दिखाई देगा, लेकिन इसके बीच में ध्यान रखना बच्चे, ये आपके पास न्यूक्लियस थोड़ा सा पोर रहता है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहता है, ऐसा नहीं है कि आपके पास कंप्लीटली सेपरेटेड होता है, तो ऐसा नहीं होता, ये आपके पास यानी कि कनेक्टेड रहते हैं इस तरीके से। तो कहने का मतलब बच्चे, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर्स को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, आपके पास माइसीलियम। तो माइसीलियम आपके पास ब्रांच होता है, और ब्रांच के बाद ये जो आपस में कनेक्टेड है ना मेरे प्यारे बच्चे, इस तरीके से, क्योंकि देख लो बहुत छोटा सा चैनल है ताकि प्रोटोप्लाज्म आपस में इंटरचेंज कर सके। तो यहाँ पर बेसिकली क्या आ रहा है, वॉल आ रहा है ना, इसलिए इसे बोला जाता है आपके पास ब्रांच एंड आपके पास यानी कि सेप्टेट माइसीलियम। क्या बोला जाता है? ब्रांच एंड सेप्टेट माइसीलियम। तो यहाँ पर माइसीलियम क्या है मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास यानी कि ब्रांच है, ब्रांच एंड सेप्टेट, सेप्टेट, समझ पा रहे? ये होता है। अब मान लीजिए इसी में मैं आपको समझाता हूं कि आपके पास यानी कि असेप्टेट वाला कैसा होता है, मतलब अगर मान लीजिए कि कोई असेप्टेट है तो वो कैसा आ रहेगा, समझिए। असेप्टेट का मेरे पैर बच्चे, असेप्टेट में क्या होता है कि मान लीजिए कुछ इस तरीके से मैं बनाता हूं, इस तरीके से, तो इसमें ये रहा आपके पास न्यूक्लियस, ये रहा आपके पास न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, ये जो आपके पास, अगर इसके अंदर अगर मान लो कि एक और स्ट्रक्चर बना होगा तो इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर क्या है, ये जो आपके पास माइसीलियम है ना मेरे प्यारे बच्चे, माइसीलियम, ये माइसीलियम क्या आपके पास यानी कि अनब्रांच, अनब्रांच, और आपके पास एंड असेप्टेट, क्या ये असेप्टेट, तो यहाँ पर ये असेप्टेट है। और यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे देख रहे हो न्यूक्लियस आपके पास प्रोटोप्लाज्म मिक्स है, तो इसीलिए ऐसे आपके पास यानी कि माइसीलियम को ना एनसीईआरटी में आपके पास सिनोसाइटिक लिखा है, क्या लिखा है आपके पास, माइसीलियम इज सिनोसाइटिक।
तो माइसीलियम सिनोसाइटिक कहां पर होता है, जहां पर आपके पास इनकी क्रॉस वॉल्स नहीं होता, देख रहे हो यहां पे क्रॉस वॉल्स है इन दोनों के बीच में नहीं, तो एक ही साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपके पास बहुत सारे न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं आपके पास फ्लोट कर रहे, तो आपके पास यानी कि माइसीलियम हैविंग मोर देन आपके पास मोर न्यूक्लियस व्हिच फ्लोट आपके पास इनसाइड द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ हाइपी और माइसीलियम इज कॉल्ड आपके पास यानी कि अनब्रांच एंड आपके पास असेप्टेट। असेप्टेट में यहां पे कोई क्रॉस वॉल्स नहीं होगा, यहां पे सेप्टेट की बात की यहां पर तो देख रहा क्रॉस वॉल्स है यहां पे, समझ पा रहे हो, तो बहुत छोटा सा आपके पास चैनल्स प्रेजेंट होता है ताकि प्रोटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड रहे। तो इसीलिए बच्चे यहाँ पे दो बातें ये लिखी गई, तो फंगस के अंदर माइसीलियम की स्टडी इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि आप आगे जाके माइसीलियम के बारे में ही पढ़ते हो। सिनोसाइटिक मैंने आपसे कहा कि आपके पास माइसीलियम हैविंग मल्टी न्यूक्लियस देन साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, माइसीलियम हैविंग, अगर मान लीजिए बच्चे मैंने आपसे ये कहा माइसीलियम हैविंग साइटोप्लाज्म विद मल्टी न्यूक्लिएट such mycelium is called सीनोसाइटिक। क्या बोलते हैं, सीनोसाइटिक mycelium। और सीनोसाइटिक हमेशा आपके पास याद रखना बच्चे, सीनोसाइटिक वाला हमेशा असेप्टेट रहेगा। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, बात करते बच्चे कि ठीक है, ये तो आपके पास एक जनरल स्ट्रक्चर्स की हो गया। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, जब आप किंगडम आपके पास यानी कि फंजाई के अंदर आपके पास क्लासेस पढ़ेंगे, तो किंगडम क्लासेस में जब आप पढ़ेंगे तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स माइसीलियम से ही हुआ कि जो आपके पास यानी कि किंगडम फंजाई के अंदर जो क्लासेस है, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस, तो इसमें से आपके पास कौन सा आपके पास माइसीलियम, किसमें माइसीलियम सेप्टेट है, किसके अंदर माइसीलियम असेप्टेट है। मैं आपसे कहता हूं एक सिंपल भाषा में कि फाइकोमाइसिटिस या जाइगोमाइसिटिस, दोनों नाम एक ही के लिए चलता है, तो इन दोनों इसके अंदर बच्चे फाइकोमाइसिटिस के अंदर क्या रहता है, असेप्टेट माइसीलियम रहता है, बाकी तीन जो बच्चे एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस, इन तीनों में क्या रहता है, ऑफकोर्स सेप्टेट माइसीलियम है ना, इतना याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। अब देखिए बच्चे, मैंने आपसे कहा कि ठीक है, अब बात करते हैं आपके पास यानी कि पहला तो बॉडी स्ट्रक्चर था जो आपने देखा, दूसरा बच्चे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि फंगस के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा रहता है, फंगस के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब आपके पास यानी कि फंगस की बात करते हैं तो यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर आप क्या देख सकते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर आपके पास यानी कि एब्जॉर्प्शन होते हैं, मतलब ये चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं, समझ पा रहे, क्यों, क्योंकि आपके पास यहां पर जो डाइजेशन होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, यहां पर डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब आउटसाइड दी सेल, क्योंकि सारे के सारे फंगस ऑल फंगस सीक्रीट एंजाइम्स, क्योंकि सारे के सारे फंगस क्या करते हैं, एंजाइम्स को रिलीज करते हैं जिसकी वजह से फूड जो होता है सेल से बाहर ही डाइजेस्ट हो जाता है, और जब सेल से बाहर ही जब आपके पास यानी कि डाइजेशन हो जाता है तो वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो यहां पर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है वो एब्जॉर्प्शन रहता है, क्योंकि फंगस सुगर लवर होते हैं। आगे मैंने प्यारे बच्चे ये कहा कि जो फंगस होता है इसके अंदर जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात किया जाता है तो इसमें तीन टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाता है। अब देखिए कौन कौन सा, मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपसे कहा कि भाई ठीक है, सबसे पहले आपके पास यानी कि सेप्रोफाइटिक, तो इसमें क्या होता है आपके पास डीकम्पोजर्स, कौन होता है आपके पास डीकम्पोजर्स, तो डीकम्पोजर्स होते हैं, तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे जितने भी डीकम्पोजर्स है वो क्या करते हैं आपके पास डीके करते हैं चीजों को, डीके करते हैं आपके पास, उसके बाद क्या करते हैं आपके पास यानी कि एब्जॉर्ब करते हैं,
तो ये पहले तो चीजों को क्या करते हैं, डिके करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ज्यादातर बच्चे जब डिकम्पोजर्स और आपके पास एब्जॉर्प्शन का काम देखोगे तो जैसे कि एस्पर गिलस वगैरह होता है, एस्पर गिलस। तो ये जो मेरे प्यारे बच्चे आपके पास एस्पर गिलस वगैरह होता है, ये डिकम्पोजर्स होते हैं। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे पैरासाइटिक, तो आपके पास यानी कि पैरासाइटिक जो होता है आपके पास, वो ज्यादातर आपके पास पैथोजेंस होते हैं। क्या होता है आपके पास, यानी कि पैथोजेंस। तो ये आपके पास यानी कि पैथोजेंस होते हैं, विच कॉजेस डिसीज इन प्लांट्स। ज्यादातर तो बच्चे प्लांट्स में देखा जाता है, मतलब मेनली आपके पास ज्यादातर मोस्टली प्लांट में देखा जाता है एज कंपेयर टू एनिमल्स। जैसे एस्टिलैगो है, पुसिनिया है, अल्बुगो है, तो ये सब आपके पास पैरासाइटिक मतलब पैथोजेंस फंगस है, जो आपके पास यानी कि डिसीज कॉज करता है प्लांट के अंदर, प्लांट को ज्यादा इन्फेक्ट करता है एज कंपेयर टू एनिमल्स। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि सिम्बायोटिक। क्या होता है सिम्बायोटिक, तो सिम्बायोटिक में बच्चे हम ये देखते हैं कि जो सिम्बायोटिक होता है, तो यहाँ पे दो है सिम्बायोटिक में, एक आपके पास यानी कि लाइक है और दूसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि माइकोरिजा। तो लाइकेन में क्या होता है बच्चे आपके पास यानी कि एल्गी। तो यहाँ पर तो बच्चे एल्गी प्लस के अंदर फंगस का एसोसिएशन होता है, और यहाँ पर माइकोरिजा के अंदर बच्चे आपके पास यानी कि फंगस with the roots of higher plant, ये दिखा जाता है। तो यहां पर ये याद रखना बच्चे कि सिम्बायोटिक के अंदर आपके पास lichens और mycorrhizae। तो कहने का मतलब जितने भी बच्चे आपके पास यानी कि higher plants होते हैं, उनके roots में basically fungus लगा होता है जो mineral nutrients absorb करके देता है। तो यहाँ पर माइकोरिजा और आपके पास लाइकेन, ये सिम्बायोटिक। तो मतलब कोई भी फंगस जो होगा वो आपके पास एब्जॉर्ब ही करेगा, क्योंकि फंगस के पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता। दे आपके पास कैन नॉट प्रिपेयर फूड, दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक, दे आर हिट्रोट्रॉफिक। और इसीलिए शुरू में लिखा था ए यूनिक ग्रुप ऑफ हिट्रोट्रॉप्स। ये आपके पास यानी कि एक यूनिक ग्रुप है हिट्रोट्रॉप्स का। और यहाँ पर बच्चे मैंने आपसे कहा कि सिंपल सी बात है, इनमें से कोई एक ही आपके पास मॉडर्न न्यूट्रिशन को फॉलो करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। फंगस जनरली बच्चे कहां ग्रो कहां करता है आपके पास, फंगस ग्रो इन वॉर्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस। ज्यादातर मेरे प्यारे बच्चे जो फंगस होता है वो ग्रो करता है आपके पास, थोड़ा सा गर्म हो, थोड़ा सा आपके पास मॉइस्चर हो, बस काम बन जाता है फंगस का। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 के आसपास फंगस ग्रो कर जाता है, लेकिन कुछ फंगस ऐसे जो है 35 डिग्री टेम्परेचर के बाद भी ग्रो करता है, तो ऐसा नहीं। लेकिन मेनली आपके पास ज्यादातर फंगस जो होता है ना बच्चे आपके पास, वो ग्रो कर जाता है आपके पास यानी कि 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपके पास ग्रो कर जाता है। ये सबसे मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर माने जाते हैं फंगस के केस में। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ये तो बात रही मोड ऑफ न्यूट्रिशंस की। मेरे प्यारे बच्चे अब इसमें ना कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। आपने बच्चे ये पढ़ा है कि जो फंगस है इससे एंटीबायोटिक्स मिलते हैं। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, सबसे पहला एंटीबायोटिक्स किसने निकाला था और किस फंगस से निकाला था? मेरे प्यारे बच्चे जब आप बात करते हो ना आपके पास यानी कि एंटीबायोटिक, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई ये पेनिसिलियम नोटेटम, इससे क्या निकाला आपने आपके पास यानी कि एक एंटीबायोटिक्स निकाला, और उसका नाम क्या था आपके पास यानी कि पेनिसिलिन। इट इज अ फर्स्ट एंटीबायोटिक्स, इट वॉज अ फर्स्ट एंटीबायोटिक्स। ये सबसे पहला एंटीबायोटिक्स है, ध्यान रखना, सबसे पहला एंटीबायोटिक्स। और ये फर्स्ट एंटीबायोटिक्स निकालने वाला केमिकल किसने निकाला था? बेसिकली अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बच्चे आपके पास एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ही वॉज डूइंग आपके पास यानी कि कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, और वो एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर कर रहे थे आपके पास यानी कि स्टेफाइलो
स्टेफाइलोकोकाई के ऊपर कोकस, ये बैक्टीरिया है मेरे बेटा बच्चे। तो एक दिन क्या होता है कि वो जिस कल्चर प्लेट में बच्चे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, उस कल्चर प्लेट को अनवॉश मतलब बिना साफ किए हुए ही वो घर चले जाते हैं। और जब वो बिना साफ किए हुए ही घर चले जाते हैं ना, तो होता है क्या, जब वो अगले दिन आते हैं तो वो एक नोटिस करते हैं कि ये जो कल्चर प्लेट है ना मेरे प्यारे बच्चे, कल्चर प्लेट जो अनवॉश था, तो इसके ऊपर वो ये देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो स्टेफाइलो आपके पास यानी कि कोकस जो आपके पास बैक्टीरिया है, इसके चारों तरफ आपके पास यानी कि एक लेयर डेवलप है आपके पास यानी कि व्हाइट व्हाइट सा। और ये लेयर बेसिकली होता है कि आपके पास यानी कि केमिकल्स होते हैं। तो यहाँ पर ये देखते हैं आपके पास कि कोई केमिकल है आपके पास, और इस केमिकल की वजह से ये फंगस मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है आपके पास, यानी कि दिस लेयर या बोलते थे केमिकल इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ फंजाई सॉरी बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को आपके पास यानी कि रोक देते हैं। इनको बड़ा ही ताज्जुब लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई फंगस आपके पास यानी कि इसकी आपके पास यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है, रोक सकता है। बड़ा ही अजीब लगा इनको। तो बेसिकली बच्चे ये जो पेनिसिलिन है ना, ये बाई चांस डिस्कवर किया। तो ये बातें इन्होंने भी रखा कि ठीक है, पेनिसिलिन एक केमिकल है जिसकी वजह से आपके पास बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। इस बात को आपके पास यानी कि साबित करने के लिए हुआ कि आपके पास, याद रखना उस टाइम पर आपके पास यानी कि जर्मनी यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड तो सुना ही होगा नाम आप लोगों ने। तो उस टाइम क्या चल रहा था बच्चे आपके पास, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था। और यहाँ पर बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स आपके पास, अमेरिकन आपके पास यानी कि जो सोल्जर थे ना बच्चे, तो अमेरिकन सोल्जर्स आपके पास यानी कि वुंडेड थे, इनको चोट लगा हुआ था। तो वहां पर आपके पास यानी कि दो साइंटिस्ट थे, एर्नेस्ट आपके पास यानी कि चेन, तो आपके पास यानी कि एर्नेस्ट आपके पास यानी कि चेन ये थे, और दूसरा आपके पास यानी कि हार्वर्ड आपके पास यानी कि फ्लोरी। तो ये जो बच्चे आपके पास यानी कि दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, पेनिसिलिन का आपके पास खूब ज्यादा ये पेनिसिलिन इनके बुंद पर घाव पर आपके पास लगाकर छोड़ दिया कि ठीक है भैया, अगर तुम्हें चोट लगा है तो चोट पे चलो पेनिसिलिन ये केमिकल निकाल देते हैं या ये फंगस लगा देते हैं, ताकि कोई भी बैक्टीरिया बाहर से जाकर इस बूंद आपके पास यानी कि इन्फेक्ट नहीं करेगा, या ब्लड में होगा भी, इस एरिया में अगर होगा भी तो वो मर जाएगा, ग्रो नहीं करेगा। इन्होंने किया और ये सक्सेसफुल रहे। और इसी की वजह से आपके पास यानी कि हुआ क्या कि आपके पास यानी कि 1945 के दौरान 1945 में, याद रखना आपके पास यानी कि फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरी को आपके पास यानी कि नोबल प्राइज दिया गया था क्योंकि इन लोगों ने बच्चे आपके पास इस एंटीबायोटिक्स का आपके पास यानी कि एक्सटेंसिवली यूज कि हम एंटीबायोटिक्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये बात इन लोगों ने साबित कर दिया था। और आज के टाइम पर बच्चे आप बिना एंटीबायोटिक्स की कल्पना भी नहीं कर सकते, सही बात है, नहीं कर सकते आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे 19 सेंचुरी से पहले ना, अगर 1900 से पहले की बात अगर करते हैं, तो उस टाइम पर तक तो लोगों को पता ही नहीं था कि आपके पास यानी कि फंगस बैक्टीरिया वायरस ऐसे भी माइक्रोब्स हमारे एनवायरमेंट में रहते हैं, क्योंकि हम लोग तो उस टाइम पर लगभग अंधविश्वास में ही जी रहे थे। और खासकर भारत के लोग, तो भारत के लोग तो जानते हो ना कि ज्यादातर अंधविश्वास के अंदर जीते हैं, अंधविश्वास में ही यकीन रखते हैं। और ये सब बातें कौन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा था उस टाइम पर भी, तो कोई भी नहीं कर रहा था, कोई भी नहीं। तो हुआ कि आपके पास इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला, ये लोग बड़े खुश हुए कि चलो कम से कम मतलब नोबेल प्राइज तो मिला कुछ अच्छा करने के लिए। तो एक्सपेरिमेंट कभी कभी आपके पास यानी कि चीजें जो आप करते हो उसका यूज पता नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि वो हमारे बहुत ही आपके पास यानी कि काम की चीज होता है, जैसे कि यहाँ पर देखा है। इसी तरीके से बच्चे दूसरा मैं आपसे बतलाता हूं कि भाई ये जो आपके पास यानी कि सैक्रोमाइसिटिस सर्विसी, ये जो आपके पास यानी कि ईस्ट होता है, तो मेरे प्यारे बच्चे इसका कमर्शियली यूज होता है आज के टाइम पर आपके पास यानी कि कमर्शियली यूज्ड फॉर इथेनॉल प्रोडक्शंस।
इथेनॉल प्रोडक्शंस। तो मतलब इस इथेनॉल से ही तो बेसिकली हम लोग क्या बनाते हैं बच्चे आपके पास, यानी कि वाइन वगैरह बनाते हैं। वाइन है आपके पास यानी कि बियर, ये किससे बनाया जाता है? इथेनॉल से ही बनाया जाता है। तो कहने का मतलब उसके अंदर कौन इस्तेमाल किया जाता है? ईस्ट। तो मतलब लोग ईस्ट का सूप पी रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि हम अल्कोहल पी रहे। अरे भैया आप अल्कोहल नहीं पी रहे, माइक्रोब्स को उबाल उबाल के सरा गला के पिया पिलाया जा रहा है तुम्हें। जब ये माइक्रोब्स मर जाते हैं, क्योंकि ईस्ट जो होता है ना बच्चे, जब आपके पास यानी कि ये फर्मेंटर्स के अंदर ग्रो करवाए जाते हैं, जो सभी गले आपके पास फ्रूट्स होते हैं ना आपके पास यानी कि रोटेन, तो जो भी आपके पास यानी कि रोटेन फ्रूट्स वगैरह होता है, जो सभी गले आपके पास फ्रूट्स होता है, उसके अंदर ईस्ट लगा दिया जाता है और इसको छोड़ दिया जाता है आपके पास यानी कि सरने के लिए, आपके पास यानी कि रोटन होने के लिए। तो जब ये आपके पास खूब सरगल जाता है तो इसके अंदर से आपके पास यानी कि स्मेल आता है और ये इस करता है कि इस फ्रूट में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना बच्चे, इन सबको बेसिकली क्या करता क्या रहता है आपके पास, ब्रेक कर रहा होता है विदाउट ऑक्सीजन के अंदर, और इसकी वजह से वहां पर CO2 और आपके पास इथेनॉल प्रोड्यूस होते हैं और इसी को निकाल कर आप लोगों को बोतल में भर भर के बियर के पिलाया जाता है। आप कहते हैं यस आई एम ड्रिंकिंग अ बियर, यू आर नॉट ड्रिंकिंग अ बियर, यू आर ड्रिंकिंग द सरी गले ईस्ट, पी रहे होते और आप खुश हो रहे होते। समझ पा रहे हो? आगे देखो, आगे बात करते हैं बच्चे आपके पास यानी कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, कि फंगस में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो किस तरीके से होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो जब बच्चे आप मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आप दो चीज समझना बच्चे, कि फंगस के अंदर इन लोगों ने एनसीईआरटी में तीन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात की है। तो पहला आपके पास जिसमें बच्चे इन लोगों ने आपके पास बात किया कि ठीक है हम आपके पास वेजिटेटिव की बात करते हैं, कि भाई वेजिटेटिवली कोई भी फंगस जो होता है वो मल्टीप्लाई करता है और सेक्सुअली भी करता है और सेक्सुअली भी करता है। तो जैसे देखिए आपके पास अगर हम वेजिटेटिव की बात करते हैं, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव मीन्स, तो वेजिटेटिव मीन्स में बच्चे इन लोगों ने एनसीईआरटी के अंदर फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। दूसरा बच्चे बडिंग की बात करते हैं, बडिंग की बात करते हैं, एंड आपके पास यानी कि फ्यूजन के बारे में बात करते हैं। और जब बच्चे ये असेक्सुअल मींस की बात करते हैं, असेक्सुअल, तो असेक्सुअल में बाय आपके पास यानी कि स्पोर, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। तो इसमें बच्चे ये कॉनिडिया की बात करते हैं, कॉनिडिया के बारे में बात करते हैं, स्पोरेंजियो, स्पोर के बारे में बात करते हैं, एंड स्पोरेंजियो स्पोर एंड जू स्पोर के बारे में बात करते हैं, जू स्पोर के बारे में बात करते हैं। और जब बच्चे ये सेक्सुअल, सेक्सुअल मींस की जब बात करते हैं, तो सेक्सुअल मींस में बच्चे ये आपके पास यानी कि सेक्सुअल स्पोर मतलब वो स्पोर के बारे में बात करते हैं, वो स्पोर, एस्को स्पोर, एस्को स्पोर एंड बेसिडियो स्पोर। और ध्यान रखना बच्चे, चाहे एस्को स्पोर हो चाहे वो स्पोर, ये आपके पास ये तीनों स्ट्रक्चर्स बेसिकली आपके पास प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज, इन डिस्टिंक्ट फ्रूटिंग बॉडीज, इस तरीके से एनसीईआरटी ने लिखा है। तो कहने का मतलब बच्चे आपके पास जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल हो सकते हैं। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फ्यूजन, असेक्सुअल के अंदर कॉनिडिया, स्पोरेंजियो स्पोर, जू स्पोर्स, और आपके पास सेक्सुअल के अंदर वो स्पोर, एस्को स्पोर एंड बेसिडियो स्पोर्स, ये इस तरीके से चलता है। मेरे प्यारे बच्चे ये एनसीईआरटी ने ऐसा भी कहा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन हैज थ्री इवेंट, यहाँ पे थ्री आपके पास यानी कि इवेंट्स होते हैं, और वो थ्री इवेंट में पहला कहता है आपके पास यानी कि प्लाज्मोगेनी, प्लाज्मोगेनी, और दूसरा कहता है बच्चे आपके पास यानी कि कैरियोगेनी, कैरियोगेनी, और तीसरा बोलता है बच्चे आपके पास यानी कि मियोसिस, मियोसिस, जायगोटिक मियोसिस, ये कहने का मतलब। मीन्स यहाँ पर बच्चे आपके पास यानी कि फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन ऑफ मोटाइल और
नॉन मोटाइल हाइपी ऐसे लिख सकते हैं आप हाइपी। तो मतलब जब आपके पास यानी कि दो जो आपके पास यानी कि मोटाइल और नॉन मोटाइल आपके पास हाइपी होते हैं, जब इनके प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, उसको कहा जाता है प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी का मतलब फ्यूजन ऑफ आपके पास मोटाइल एंड नॉन मोटाइल हाइपी। इनका हाइपी का क्या प्रोटोप्लाज्म, तो डेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। और कैरियोगैमी के अंदर बच्चे आपके पास यानी कि फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। यहाँ पर आपके पास दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं, सच दैट इज कॉल्ड उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे आपके पास यानी कि कैरियोगैमी। क्या बोलते हैं? कैरियोगैमी। और जब आपके पास यहाँ पर जाइगोट बन जाता है ना बच्चे, तो ये जाइगोट के अंदर आपके पास यानी कि जाइगोटिक मियोसिस होता है। क्या होता है? जाइगोटिक मियोसिस। और एज ए रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होता है आपके पास यानी कि हैप्लॉइड। क्या प्रोड्यूस होता है? हैप्लॉइड हाइपी। तो मतलब हमें क्या रखना है? हैप्लॉइड हाइपी रखना है। तो मतलब कभी भी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो एक प्लाज्मोगैमी, दूसरा कैरियोगैमी और तीसरा आपके पास मियोसिस। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप जब मॉडल ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ें तो आप ये देखेंगे इस तरीके से लिखा गया एनसीईआरटी के अंदर। मेरे प्यारे बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हालांकि इन्होंने आपके पास डाइकैरियोटिक फेज, डाइकैरियोटिक स्टेज के बारे में बात किया है, जो बेसिकली एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर आकर होते हैं, और स्पेशली बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर। देखिए मैं कुछ और बातें करता हूं, फिर उसके बाद इसके ऊपर दोबारा आऊंगा वापस कि एक्चुअल में स्त्री कैसे होते हैं। बच्चे होता है क्या है कि जब आप लोग किंगडम फंजाई पढ़े ना, तो किंगडम फंजाई को आप लोग बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल में इसमें आपको क्या पढ़ना होता है और क्या याद रखना होता है। मेरे प्यारे बच्चे, किंगडम फंजाई के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप गौर से समझे, अगर बना सकते हैं तो बना ले आपके पास यानी कि ये स्केच बना ले, सर काम आएगा आपके, कि जब आप किंगडम फंजाई को पढ़ने जाते हैं आपके पास यानी कि फंगस को पढ़ने जाते हैं, तो यहाँ पर किंगडम फंजाई को बच्चे आप इस तरीके से पढ़े कि ठीक है मुझे सबसे पहले आपके पास इसका बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ना है, बॉडी स्ट्रक्चर। तो बॉडी स्ट्रक्चर जब बच्चे आप पढ़ने की बात करते हैं तो इसके अंदर आपके पास फिलामेंट की बात आएगा, फिलामेंट की बात आएगा, और यहीं सर आपके पास यानी कि सेप्टेट माइसीलियम वाली बात आ जाएगा, और आपके पास यानी कि असेप्टेट माइसीलियम की बात आ जाता है। माइसीलियम सेप्टेट में मेरे प्यारे बच्चे आप इस तरीके से ध्यान रखिए कि जब आप सेप्टेट की बात करते हैं तो ये तीन में कौन सा आपके पास, जब सेप्टेट की बात करते हैं आप ध्यान रखिए कि एस्कोमाइसिटिस, दूसरा बच्चे मैंने आपसे कहा बेसिडियोमाइसिटिस, और तीसरा मैंने कहा बच्चे आपके पास यानी कि ड्यूटेरोमाइसिटिस। आप ये याद रखिए, और इसके अंदर सिंपल आप लिखे आपके पास यानी कि फाइकोमाइसिटिस। क्या लिखेंगे? फाइकोमाइसिटिस या जाइगो माइसिटिस, इसके बारे में। दूसरा बच्चे, जब आप यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के बारे में बात करें, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में मेरे प्यारे बच्चे आप तीन बातें याद रखिए कि मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के अंदर आपको क्या देखा जाता है, मतलब देखना क्या होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशंस देखना चाह रहे तो आप मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में पहला सेप्रोफाइटिक की बात करें, पैरासाइटिक की बात करें और आपके पास यानी कि सिम्बायोटिक के बारे में बात करें। सेप्रोफाइटिक के अंदर ज्यादातर बच्चे यहां पर जो देखने को मिलेगा आपको मैं बता देता हूं, एक एस्कोमाइसिटिस एंड दूसरा बच्चे आपके पास यानी कि बेसिडियो नहीं ड्यूटेरोमाइसिटिस। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो मेरी बात पर आपको यकीन हो जाएगा, नो डाउट। अगर अभी नहीं हो रहा है तो आप एनसीईआरटी देख लेना, आप मुझे याद करोगे, ऑफकोर्स याद करोगे, कोई आपके पास चारा नहीं होगा। बेसिडियोमाइसिटिस, समझ पा रहे हैं? और सिम्बायोटिक के अंदर बच्चे आपके पास यानी कि एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस।
समझ पा रहे हैं। और तीसरा बच्चे जब मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस की बात करते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस में आप फिर तीन याद रखेंगे, तो तीन में क्या आपके पास, पहला वेजिटेटिव मींस, वेजिटेटिव मींस, तो वेजिटेटिव में आप क्या याद रख सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन याद करें आपके पास, और बडिंग याद कर सकते हैं, और आपके पास यानी कि फ्यूजन याद रख सकते हैं। इनके बारे में डिटेल में आपको उसमें बात करूंगा, टेंशन मत लो, हम बोल रहे हैं ना, अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम करेंगे जरूर, हम बोल रहे हैं इसका मतलब हम करेंगे जरूर। देखिए आज सेक्शंस में आप बच्चे कॉनिडिया के बारे में बात रखिए, कॉनिडिया स्पोरिंजियो स्पोर, स्पोरिंजियो स्पोर, एंड आप स्पोरिंजियो स्पोर के बाद जू स्पोर के बारे में याद रख सकते हैं। और जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें ना बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप हु स्पोर, हु स्पोर, बेसिडियो स्पोर एंड एस्को स्पोर के बारे में याद रखें। समझ पा रहे हैं? और जब ये बातें बच्चे आप पढ़ लेना, तो उसके बाद आपके पास क्लासेस ऑफ फंगी पर आ जाए, किस पर आ जाए, क्लासेस ऑफ फंगी पर। तो जो क्लासेस, क्लासेस ऑफ फंजाई है ना मेरे प्यारे बच्चे, तो फंजाई की बेसिकली बच्चे यहां पर समझना आपके पास, मैं यहाँ पे चार क्लास के बारे में बता रहा हूं, वैसे तो वो माइसिटीज भी होते हैं, लेकिन वो माइसिटीज के बारे में नहीं देखेंगे, या मैं ऊपर लिखता हूँ एक काम करता हूँ, नीचे चलो नीचे ही लिखते हैं क्या फर्क पड़ा है। तो आप क्लासेस में फाइकोमाइसिटीज या इसी को आपके पास यानी कि जाइगो माइसिटीज भी कहा जाता है, और एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और डिटेरोमाइसिटीज, डिटेरोमाइसिटीज की बात करें। इसे बच्चे कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट फंगस कहा जाता है, इसे बच्चे सैक फंगस कहा जाता है, इसे बच्चे ब्रैक्टिएट फंगस कहा जाता है, या ब्रैकेट फंगी, या ब्रैकेट फंजाई कहा जाता है, इसे बच्चे इम्परफेक्ट, इम्परफेक्टिव फंगस कहा जाता है। समझ पा रहे इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चे, किंगडम फंजाई को अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना, आपको शॉर्ट में बहुत कम टाइम में सारी चीजें याद हो जाएंगी, नहीं तो बच्चे आप पूरी साल भर रटते रहना, कभी एक रटोगे दूसरा भूल जाओगे, मैं बता दूं, एक रटोगे दूसरा भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है उसका। आप इस तरीके से याद कीजिए, अगर ये स्केच होगा ना पिक्चर, मैं बता रहा हूं आप भूल नहीं सकते। अगर आप फाइकोमाइसिटीज, चलिए देखते हैं, मैं मिटाता हूं इसको, आप लोग स्क्रीन शॉट वगैरह लेना चाहे तो ले सकते हैं ना, यहाँ से आपके पास इस तरीके से तो ले लेना, क्योंकि काम ही आएगा आपके, ऑफकोर्स मेरे तो काम नहीं आएगा लेकिन आप लोगों के बहुत काम आएगा। एक चीज बच्चे मैं आपसे और भी बताना चाहूं कि बच्चे समझना, मैंने बच्चे आपसे ये कहा, स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी, माइकोलॉजी क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, माइकोलॉजी कहा जाता है, द स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। मेरे प्यारे बच्चे ये याद रखना कि फंगस के अंदर एक्चुअल में अगर मैं बात करता हूं कि क्लासेस की, तो ऑन द बेसिस ऑफ मतलब मॉर्फोलॉजी, मतलब इसकी जो क्लास लिया गया ना बच्चे, तो वो क्लास बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ आपके पास यानी कि माइसीलियम का स्ट्रक्चर्स देखा गया, स्पोर का स्ट्रक्चर्स देखा गया, और बच्चे आपके पास यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, इसके बेसिस पर फंगस के चार क्लास बनाए गए, चार नहीं मतलब पांच बोल सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली मैं बात करूँ बच्चे आपके पास यानी कि क्लासेस,
क्लासेस ऑफ फंगी। मैं यहां पर बच्चे लिख रहा हूं कि पहला आपके पास जो फंगी की क्लासेस है वो आपके पास ओमाइसीटिस, ओमाइसीटिस। दूसरा बच्चे आपके पास, मैंने आपसे कहा कि ये याद रखना, बस वैसे तो ये अब खत्म है, मतलब पूछा तो नहीं जाता, फाइकोमाइसिटिस या जाइगोमाइसिटिस। तीसरा बच्चे आपके पास यानी कि एस्कोमाइसिटिस, और चौथा बच्चे आपके पास यानी कि बेसिडियोमाइसिटिस, और पांचवा मेरे प्यारे बच्चे ड्यूटेरोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस। अब समझना बच्चे, ये जो होता है ना, ये आपके पास एक्वेटिक फंगस होता है, एक्वेटिक फंगस जो पानी के अंदर पाया जाता है। ये बच्चे ध्यान रखना, आपके पास मैंने अभी आपसे बोला कि कंजुगेट फंगस, कंजुगेट फंगस। मैंने अभी बोला बच्चे इसे सैक फंगस कहा जाता है, क्या बोला जाता है, सैक फंगस। इसे बच्चे आपके पास यानी कि ब्रैकेट फंगस, ब्रैकेट या क्लब फंगस, क्लब फंगस। इसे बच्चे मैंने कहा इम्परफेक्ट, इम्परफेक्टिव फंगस कहा जाता है। अब समझिए बच्चे, मैंने आपसे ये कहा कि जो फाइकोमाइसिटिस है, फाइकोमाइसिटिस के अंदर जब आप लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जरूर याद रखें। जैसे इसके अंदर इन लोगों ने बच्चे एनसीईआरटी में तीन एग्जाम्पल लिखे इसके एग्जाम्पल, तो इसमें पहला इन्होंने बच्चे आपके पास यानी कि राइजोबस के बारे में लिखा, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि मुकोर भी लेंगे, फिर उन्होंने कहा आपके पास यानी कि अलबोगो भी लेंगे, तो तीन एग्जाम्पल इसमें लिखा। जब एस्कोमाइसिटिस की बात आई बच्चे, तो इसमें भी इन्होंने आपके पास ठीक ठाक आपके पास यानी कि एग्जाम्पल लिखे। जैसे इसके अंदर बच्चे आपके पास इन्होंने न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा के बारे में लिखा, फिर उसके बाद बच्चे आपके पास यानी कि क्लैविसेप्स के बारे में लिखा, फिर उसके बाद बच्चे इन्होंने आपके पास यानी कि ईस्ट के बारे में लिखा, फिर पेनिसिलियम के बारे में लिखा, पेनिसिलियम, और उसके बाद आपके पास यानी कि मोरल एंड ट्रफल्स, मोरल्स एंड ट्रफल के बारे में लिखा, जो एक एडिबल फंगस होते हैं। जब बेसिडियोमाइसिटिस की बात आई बच्चे, तो इन्होंने बेसिडियोमाइसिटिस में एक्चुअल में तीन फंगस के बारे में लिखा है इन लोगों ने। जैसे कि एक तो आपके पास यानी कि एग्रीकस के बारे में, दूसरा आपके पास यानी कि अस्टिलैगो के बारे में, और बच्चे पुसिनिया के बारे में, पुसिनिया के बारे में इन्होंने लिखा। तो कहने का मतलब बच्चे आपके पास यानी कि पुसिनिया के बारे में इन्होंने लिखा। और इसी तरीके से जब ड्यूटेरोमाइसिटिस की बात आई, तो इसमें भी बच्चे इन्होंने आपके पास यानी कि तीन फंगस के बारे में लिखा, आपके पास यानी कि अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया, कलेक्टोट्राइकम, कलेक्टोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा के बारे में लिखा। और यहां पर आपके पास एक और फंगस के बारे में लिखता है जिसका नाम होता है एस्परगिलस, एस्परगिलस समझ पा रहे। तो अगर बच्चे, अगर आप लोग ना अगर थोड़ा सा भी इस पर मेहनत कर लेंगे ना, मैं बता रहा हूं किंगडम फंजाई से क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे आपके, नीट में या सीयूटी वगैरह में कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होगा ना, अगर आप ये कर लेंगे तो आपसे मतलब नहीं छूटेगा। और फंगस की हर प्रॉपर्टीज, मतलब जितनी भी क्लासेस है मेरे प्यारे बच्चे, लगभग सभी क्लासेस में आपको क्या याद रखना होता है, एक हैबिटेट की वो कहाँ पाया जाता है, दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या, मतलब जो माइसीलियम है वो क्या है, सेप्टेट होगा और सेप्टेट होगा, तीसरा आपके पास यानी कि सेल वॉल, सेल वॉल तो काइटिन की बनी हुई होती है, समझ पा रहा हूँ। और उसके बाद बच्चे चौथा अगर पूछा जाता है तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पूछा जाता है, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में असेक्सुअली किस तरीके से करता है, सेक्सुअली किस तरीके से करता है, और पांचवा बच्चे आपको जानते हैं कि एग्जाम्पल पूछता है। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें ही आपको याद रखनी पड़ती है। तो ये सारे बच्चे आपके पास यानी कि एग्जाम्पल हैं किसके, आपके पास यानी कि किंगडम फंजाई के। तो इतना याद कर लीजिए, किंगडम फंजाई खत्म हो जाएगा। हालांकि मैं ये आपके पास एक एक कैरेक्टर्स लेकर आपके पास यानी कि इनके कैरेक्टर्स लिखवाऊंगा, वो सीधा नेक्स्ट आपके पास यानी कि वीडियोज में मिल जाएंगे आप लोग को, जो किंगडम फंजाई के ऊपर आएगा, है ना। तब तक के लिए ऑफकोर्स बाय, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, इंस्टेंट एक्शन लेने की एबिलिटी रखिए, और कोई भी चीज कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस कीजिए, मजा आ जाएगा जिंदगी के अंदर, सच बता रहा हूँ।
है ना, क्योंकि जो पाना है उसे पाने के लिए स्ट्रगल करते रहिए जो करना है, नहीं तो बच्चे लाइफ में ना पीछे रह जाओगे। तो लाइफ में पीछे नहीं रहना है, ऑफकोर्स आगे जाना है ना। अगर आगे जाना है तो मेहनत, उसके लिए डिमांड होती है मेहनत की, पेशेंस की, स्ट्रगल की, और आपके पास यानी कि कंसिस्टेंसी की। इतना कर लीजिए, हो जाएगा सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ऑफकोर्स फंजाई के क्वेश्चन के साथ।